चलिए दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक हो सलमा आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ अमीना, बहुत बहुत मुबारक हो। खौफ क्यों शकील दुश्मना मैं करा, मेरी जान माल दाए अल्लाह बादशाह। मैं जिंदा है, अब पोता जिंदा हो गया। अब्बा जिंदा हो गया है? नहीं, अब्बा जिंदा हो गया है। अच्छा, मम्मा ने कहा मिसाला दे दे, ज्यादा दो। नहीं, थोड़ा सा चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए। नहीं, आज नहीं है। सारा का वो बाबा है, मेरा यार जो है ना, ये फिर रुकता नहीं है। ये छोटे बच्चों की तरह कहता, मैं कुछ चा, मैं कुछ चा, मैं खाना कल निम को खाई, पापड़ खाए जी। तो सा एबे को ता मेल गिनो सारे को, एबे रिश्तेदारे को, अपने धीरे को, बैठे रहन, बैठे रहन, नहीं मिलना। कहती है मैंने किसी को नहीं, ये इनको खोल दिया है, ये अभी इनको खोल रही है मजीद। अब ये सारे खोल देगी, फिर सर्दी लगेगी हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो जी दोस्तों, हमारा सुबह का व्लॉग जो है ना स्टार्ट हो गया है इस नेक दुआ के साथ, जो मेरे मन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों पर अपना रहम व करम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जी दोस्तों, सुबह का व्लॉग जो है ना थोड़ा लेट हुआ स्टार्ट, उसकी वजह ये थी कि एक तो भाई और भाभी वाले वो चले गए हैं, और रात मेरी रात इस तरह गुजरी कि एक तो टेंशन में, दूसरा फिर जागते हुए। पहले मेरी चाची की तबीयत ख़राब थी, जैसे कि मैंने वो नबीला राशिद वाले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, चाची की तबीयत थी कि उनको मैदे में जैसे पानी की तब्दीली हुई, मैदे में दर्द हो गया और फिर मोशन लग गए, तो वो फिर डॉक्टर को मैं ले आया, दवाई ली, वो सुकून होया उसको, वो सुकून से सोई। फिर अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई, अब्बू की सांस बिल्कुल वो हो रही थी कि मैंने रोका भी था कि आप चीज़ें का एहतियात करो, चावल वगैरह ये चीज़ें ना खाओ, तो वो चावल पके हुए थे, तो अब्बू ने जिद कर ली कि मुझे चावल खाने हैं, वो चावल फिर मैंने रोका, मेरे सामने तो नहीं, फिर सलमा से मांग लिए थोड़े से, वो खाए, तो उसके रात को तो फिर तकरीबन कोई 2-2.5 बजे के, तो फिर अब्बू की सांस बिल्कुल ही वो हो गई, ज़ोर ज़ोर से ऐसे सांस लिया जा रहा था, थाड़े लगा रहा था। फिर मैं तो जाग रहा था एक पहले से, 11:30 बजे चाची की दवाई ली, उसके बाद फिर वो वीडियो करता रहा, तो फिर मैं जाग रहा था, तो फिर अब्बू को आके चेक किया, तो अब्बू की सांस मुश्किल से हो रही थी, फिर मैंने वो नेबुलाइज़र लगाया, उसके बाद फिर अब्बू की जाके तकरीबन कोई 4 बजने वाले थे, जाकर फिर सांस सीधी हुई, फिर सही सही फिर सुकून आ गया, तो फिर सोए। फिर भी रात को लेट तक मैं, मुझे मतलब नींद नहीं आ रही थी कि अब्बू की अचानक फिर ना तबीयत ख़राब हो, एक तो मेरे पास सवारी नहीं थी, तो दूसरा ये कि तबीयत कभी नहीं पता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू को सुकून आ गया, अब्बू भी सो गए और चाची भी सुकून से सो गई। तो फिर मैं जाग रहा था, वो थोड़ा जैसे टेंशन आ जाती है, तो उसकी वजह से समझे कि मेरी लेट जा के मुझे फिर नींद आई, तो मैं अभी कुछ देर हुई है, तकरीबन मैं 1.5 घंटा 1.5 घंटा हो गया होगा उठा हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो अभी वीडियो भी स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि फिर आगे की रूटीन आप लोगों को भी शेयर करता रहूँगा। और ये थी अभी जो है ना, चाची, अम्मी, अब्बू ये ऊपर आ गए धूप पे सुबह, क्योंकि नीचे तो होती है ठंड, तो फिर धूप पे आ गए इधर, फिर अब धूप पे वो सुकून से अब सोए हुए हैं, रात जागते रहे, अभी सारे तीनों सोए हुए हैं, चाची सोई हुई है, अब्बू सोया हुआ है, अम्मी सोई हुई है, ये देखें, तो ये मैंने पहले आप लोगों को दिखाया है, ये अभी सुकून से अब सो रहे हैं।
तो बाकी जो है ना आगे की रूटीन इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। आपने रहना साथ, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बाकी रूटीन आज मेरा इरादा है कि बालों को भी कराऊँ, क्योंकि आप सब बोल रहे थे और मेरी एक आंटी है मुल्तान से, बाबर की अम्मी, तो उन्होंने भी बोला था बेटा बाल कटवाओ, बालों की सेटिंग करवा लो, बाल कटवा लो। तो आज जो है ना इसका भी करता हूँ, थोड़ा टाइम ही नहीं लग रहा था मुझे जाने का, तो आज इनका भी कुछ करवाता हूँ और बाकी रूटीन इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। वापस आ चुका हूँ और आते ही मुझे ये बातें सुनाने लग गई। अब बंदा थका हुआ आता है, पूछता है हाल अवाल, कहाँ गए थे, क्या हुआ, नहीं आते ही मिसाला लेके आए है, सब्जी लेके आए है, पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। मैं आपको बातें नहीं सुना रही। अच्छा, मैंने आराम से बात की है कि आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठाते, कॉल आप उठा लेते तो सिर्फ मिसाला मंगवाना था। जैसे 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 पहले बोला वैसे बोलो। वैसे बोला आ, मैंने कहा आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठाते, काम था। नहीं नहीं वैसे बोलो जैसे बोला था। बस सलाम, आपको यकीन नहीं है? मुझको यकीन, मैं तो सुन रहा था ना। सलाम दुआ करो फिर बाकी आगे रूटीन दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से अभी माशाल्लाह ठीक है और हमारे घर में भी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारा शाम वाला व्लॉग शुरू हो चुका है ना, हमारे साथ जो भी रूटीन होगी सब आप लोगों से शेयर करेंगे, आप लोगों ने साथ रहना है। जो न्यू है हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। तो सुबह की लगाई थी मशीन, कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह धुल चुके हैं, अभी अभी मैं मशीन को जो है ना धो शो साफ करके उसको खड़ा करके साइड पे तो फिर आ गई हूँ। इधर थोड़ा सा वो कॉल करनी थी तो कॉल किसी ने उठाई नहीं, अभी जा रही हूँ। वो दूसरा काम फिर स्टार्ट कर दिया, वो बिस्तर वगैरह जो है ना वो उनको उखेड़ रही हूँ उनको जो है ना, फिर कॉल इंशाल्लाह बिस्तर धोऊंगी और जो है ना फिर देखेंगे जो होगा। चलो जी ठीक हो गया। हाँ। और जो है ना जी मैं गया था खानपुर शहर, मुझे काम था थोड़ा सा काम, एक तो बालों को सेट करवाना था, बाल कटवा आया हूँ, थोड़े से सेटिंग करवा आया हूँ। हाँ, जो आगे आ जाते थे मुंह पे या ऐसे गंदे वो नहीं अब आएंगे, वो करवाई है। दूसरा जो है ना इस मिठू की जो खुराक है ना ये वाली, ये लेके आया हूँ, ये देखें ये खा रहा है। तो मिठू की खुराक भी लेनी थी, वो भी लेके आया हूँ। और ये देखें इसने ये इनको खोल दिया है, ये अभी इनको खोल रही है मजीद, अब ये सारे खोल देगी फिर सर्दी लगेगी हमें। नहीं वो सारे नहीं, वो जो रात को पहनते हैं ना वो सुबह उखेड़ूंगी जल्दी से धो के ना, जब सूख जाएगी फिर जो है ना जो पहनते हैं फिर उनको सिलाई करूंगी। तो ये जो है ना ये जो पेटी में पड़े थे ना वो निकाले हम, देखें कितनी इनको फिर दोबारा ये गद्दे धोने, ऊपर वाला कपड़ा धोना है। हाँ ये कपड़ा धो के ना फिर इनको दोबारा फिर सिलाई करूंगी। वो तेरी खैर, बहुत टाइम लगेगा। हाँ पर अम्मी जान पैसे बांट रही है, खैर हो, आजकल पैसे बांट रही हो, इतनी पैसे कहाँ से आ गए? हजार वाला नोट ये देखें जी, यूएसए का है, फाइन क्वालिटी है। और ये प्यारे बच्चों सबसे अच्छे, प्यारे बच्चे सबसे अच्छे, आप प्यारे बच्चे हो, तो प्यारे बच्चे की तरह जो को। और मेरी चाची जो है ना ये अब तबीयत तो कुछ बेहतर है, लेकिन अब जो है ना मेरी चाची कर रही है जिद, कल मैं लेके आ रहा हूँ, आज कहती है मुझे वापस ले चलो, अब मुझे घर छोड़ाओ, मैंने इधर नहीं रहना। तो चाची तुसा एबे को ता मेल गिनो सारे को, एबे रिश्तेदारे को, अपने धीरे को, बैठे रहन नहीं मिलना, कहती है मैंने किसी को नहीं मिलना, बस मैंने घर जाना है। अब जो है ना वो दुख सुख गुजरती होता है, लेकिन वो नाना जान जो इधर बहुत हो गए थे ना, बस उसकी बात बार बार करती हाँ, जैसे मतलब एक तो बुजुर्ग है ना, दूसरा मेरा चाचा जो था अब्बू से जो बड़ा, वो इधर आया था और उसको यही मोशन लगे तो वो उसकी डेथ हो गई, बस उनके दिन जो है ना आ गए थे। तो चाची को वही खौफ है कि वो इधर आया था, उसको मोशन लगे थे, वो मर गया, तो मैं भी ऐसे मुझे हो गया, कुछ हो गया, मैं इधर मर गई, तो पिछले वालों को कौन जवाब देगा, पीछे वाले जो रहते हैं उनको कौन बताएगा, बस मुझे घर ले चलो, वो इतनी डरी हुई है। तो मैंने कहा चाची अभी रुक जाए, आपकी दवाई करेंगे, आपका खाना पीना जब फ्रेश हो जाओगे फिर, ताकि उधर जाकर कुछ खाओगी तो सही। उधर बिल्कुल जैसे ही वो साहब उधर बता रहे थे कि खाती कुछ नहीं है, इधर बस ऐसे ऐसे चलती है बड़ी मुश्किल से, और थोड़ा थोड़ा खाया, वो भी एक टाइम में थोड़े से दो चार नवाले खा लिए, सारा दिन फिर ऐसे रहती है, कुछ नहीं खाती, पानी तक भी नहीं पीती। तो मैंने कहा चलो इधर इनकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट हो जाएगी, कुछ अच्छे डॉक्टरों को दिखा के ना फिर दवाई वगैरह करेंगे, लेकिन
चाची जो है ना आज फुल जिद करके बैठी हुई है कि मुझे कल छोड़ाओ मुझे छोड़ाओ। अम्मी को बार बार कह रही है आधी आवाज में को अताब से घर पूजा। हाँ एक दिन भी नहीं गुजरा अभी से कहती है मुझे घर छोड़ाओ। मुड़ी तेरा घर भी है कोठी है वो डटी भी है की था कोठी है तेरी वो डटी भी है बड़ा घर भी तेरा कि बेटी का कह रही है कि उसके घर यार को देखो ये है मेरा यार जो है चावल खाने वाली सरकार। रात खाए थे चावल और हो गई थी शां शां ऐसे अभी भी है हाँ जी। लेकिन रात जो हालत थी ना मुझे आपने इतनी डरा दिया मैंने कहा रात का टाइम है अब्बू को देखो अब ये हालत है। फिर मुझे थोड़ा दुख भी लगा थोड़ा गुस्सा भी आया मैंने कहा देखो मैं दवाई कर रहा हूँ तो अब्बू जो है ना अपना मुंह नहीं रोकते वो चावल अब जो डॉक्टर ने रोके थे वो आपने खा लिए वो फिर उसने इतना आपको तंग किया कि आपकी जैसे सांस नहीं चल रही थी कैसे आपका हालत था अब्बू जान ऐसे कर रहे थे इतनी जोर जोर से ऐसे कर रहे थे तो फिर मैंने लगाया अभी तो कुछ फर्क है ना वो जैसे ठंड पड़ेगी फिर वैसे हो जाएगा। तो डॉक्टर जो है ना अब्बू जान का जो जिनकी से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं छाती की सांस की तो वो डॉक्टर कल एतवार है संडे को वो आता है तो फिर अब्बू जान को जो है ना कल लेकर जाएंगे कल फिर उधर से दवाई फिर दोबारा डॉक्टर को बोलेंगे कि मेरे यार को आप सेट क्यों नहीं करते चार महीने से दवाई ले रहे हैं ऐसे ना चार महीने से हर मतलब के हर चक्कर पे 15,000 की दवाई आती है तो वो मैं उसको जाके बोलूँगा कि मेरा यार तो ठीक नहीं हो रहा आप दवाइयों पे दवाइयाँ दिए जा रहे हो उसको एक दफ़ा फ्रेश तो कर दो। लेकिन फिर डॉक्टर ने भी कुछ कहना है मेरे यार उसने पता क्या कहना है उसने बोलना है मैं दवाई तो दे रहा हूँ आप एहतियात करते नहीं ये चीज़ भी है फिर उधर मैं गलत हो जाऊँगा डॉक्टर बोलेगा मैं जिस चीज़ के लिए रोकता हूँ आप वही चीज़ खिलाते हो तो मेरा यार जो है ना ये फिर रुकता नहीं है ये छोटे बच्चों की तरह कहता है मैं कुछ दे चा मैं खाना कल निमको खाई पापड़ खाए गलती की है ना। हाँ ये देख लो इतनी आपको आप ये सोच लिया करो कोई चीज का दिल करे ना आपका दिल कर रहा हो कि मैं ये चीज खा लूं मतलब चावल खा लूं या निमको या पापड़ खा लूं फिर आप जो है ना ये सोचा करो कि जो मुझे रात को अजियत होती है जो अजाब मिलता है छाती का सांस भी नहीं होती वो सोच लिया करो फिर नहीं दिल करेगा सही है ना। आज फिर आपको लगाएंगे वो रात वाला नेबुलेजर तो फिर कुछ और छाती भी ओके हो जाएगी फिर कल जो है ना इंशाल्लाह चलेंगे दवाई लेने अभी नहीं वो अभी तो मौसम यानी फुल ठंड नहीं है ना शाम को ठंड ज्यादा पड़ती है तो आपकी छाती फिर बंद हो जाती है तो वो शाम को जैसे रात को लगाएंगे रोटी छोटी खा तो अभी धूप से आए हो चलो फिर आप जब रात को खाना वगैरह खा के सोने लगोगे उस वक्त फिर आपको लगाऊंगा ठीक है। वेरी गुड बिना सरदार क्या बोल रही थी कहती है मेरे उसको पहले बंद करो छोटी को बंद करो क्योंकि इसका शोर आएगा और समझ नहीं आएगी। हाँ मैं जिंदा है जिंदा हो गया अब्बू जिंदा हो गया है नहीं अब बड्डा जिंदा हो गया है अब बड्डा जिंदा हो गया है मेरे अब्बू की हालत देखा कि रो रोते मरता था। हाँ मेरे अब्बू की हालत देख कहती है मेरे अब्बू की हालत देखी थी रात रो रो के मरता था। दुपट्टा सीधा करो दुपट्टा पहले सीधा करो उसने वजह ना पता है क्या दिल का मसला और दिल दिया कई कई बार शायद चोरी तो न पी अब्बा वड्डा हमारे चाचू को कहते थे जो अब्बू जान के बड़े बड़े भाई थे जो जिनकी वो
वाइफ है वो मेरी चाची, इनका जो घर वाला था वो अब्बा वड्डा, सब हम बोलते थे अब्बा वड्डा, वो क्योंकि सबका बड़ा 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 था, मतलब वडेरा था, मेरे अब्बू का बड़ा भाई था, पूरे ख़ानदान में सबसे बड़ा वही था, तो सब वड्डा अब्बा ऐसे बोलते थे। तो अमीना उसी के बारे में बोल रही है कि वो चला गया है और मैं उसकी कदर नहीं कर सकी, वो मर गया है तो अब उसका जगह भी नहीं है, जगह बनवा के अकबर भाई को कहो जगह बना के दे, मतलब इस तरह के, फिर वो मुझे रोना आता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये बातें कर रही है। अच्छा ये गाल थी आपको, फिर वो उसकी याद आई है इसने वजह तो इसने कुरान मजीद कुरान में तो कट्ठे पढ़ता। हाँ चाचू मेरा ये जो है उसकी उम्र तकरीबन 105 या 110 साल थी, 100 प्लस थे, 100 साल प्लस थे उनकी उम्र, लेकिन वो 100 साल की उम्र में भी अल्लाह पाक ने उनको ऐसी नज़र दी हुई थी कि वो कुरान पाक पढ़ते थे, तो ये कह रही है कि वो कुरान पाक पढ़ते थे शोदे। अच्छा चलो आप रो नहीं, ठीक है, आप दुआ करो अपने अब्बू के लिए भी कि हमारा अब्बू जल्दी से ठीक हो जाए और चाची भी ठीक हो जाए, ठीक है। हाँ आप रो नहीं, आप इन दोनों के लिए दुआ करो। ये चीज भी है बस आप परेशान नहीं हो, रो नहीं, जल्दी जल्दी से बर्तन धो लो, आपने चावल तो खा लिए है ना, अब बर्तन धो लो जल्दी जल्दी से, फिर बात करेंगे, ठीक है। फिर आपसे मैंने नात भी सुननी है। उनको सरप्राइज देना है, उनको कपड़ा भी धो देना है, जन्नत नसीब करे ना अल्लाह से, कोई जन्नत नसीब नहीं करता, क्यों नहीं करता, ये देखें जी हाँ ऐसे बोलते हैं इसको, वो पुरानी बातें जो याद है मेरे चाचू के बारे में बोल रही है और जैन के अब्बू के बारे में, शहद के बारे में, उसके बारे में बोल रही है कि अब्बा वड्डा जो है ना वो शहद को बोलता था, शहद कहता था कि देखो अब्बा वड्डे को क्या हुआ है जब फौत हो गया था, देखो देखो उसके हाथ भी ऐसे बंद है, मुट्ठी बंद है, इसको क्या हो गया है, वही दे बातें करके ना, मतलब खुद को वो पुरानी यादें, जैसे किसी हमारे जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो भोली भाली है, लेकिन इसका दिमाग चेक करें, जैसे सियाना बंदा होता है ना उसको याद आती है कि वो फौत हो गया है, उसका इस तरह था, अब उसका कौन करेगा, वो तो मिल में काम करता था, तो चाचा जो है ना वो उसको खर्चा पानी, बड़े अब्बे को खर्चा पानी कौन देगा, ये बातें कर रही है, मतलब इसकी ऊपर वाली सोच है, हम सब की सोच से भी ऊपर, हम ऐसे बोलते हैं भोली भाली है ऐसे सरदार। हाँ जी। और दूसरी दवाई खाई है आपने? दूसरी कौन सी? जो वो दो हम रहीम यार से लेके आए थे, पता नहीं हो ये कितना, वो अम्मी जान वो दूसरी दवाई खिलाई है अबू को जो रहीम यार से लेकर आए थे? हुआ था देर से जब क्यों नहीं दे आई था, सिर्फ सिर पान। अच्छा वो शरबत पिलाए हैं? हाँ वो शरबत पीते तो वाला जूं साहब आंती के बारे में नहीं पीना। अच्छा वो भी जरान वो खाली पेट वाली वो भी नहीं माशाल्लाह सारी दवाइयां हमारी उधर भूल गई, अब बंदा कैसे ठीक होगा जब दवाइयां ही नहीं होंगी, ये हाल है हमारा। चलो जी कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है ना सलमा आपने अभी वो कपड़े वो जो उनके उतार रही है ये देखें बारीक बारीक से हो गए हैं, इनको भी खोल लिया, ये भी खोल लिया और ये भी खोल गई। हाँ इनको धोना पड़ेगा? ये भी भूल जाते हैं अगर धोएंगे तो। अच्छा चलो जी ठीक हो गया, हो जाता है तो ये अभी मुझे आप बताओ सब्जी के लिए मिसाला लेकर आना है? हाँ, बस चले जी मिसाला, आज साग बना रहे हैं तो मिसाला मैं लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साद अब्दुल हमीद, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो यार?
मिसाला तो दे। मिसाला बहुत। हाँ थोड़ा सा मिसाला दे दे। थोड़ा सा ज्यादा लो आप। नहीं थोड़ा सा चाहिए मुझे। अच्छा। ज्यादा नहीं चाहिए। मेहमान नवाजी नहीं है? नहीं आज नहीं है। मेहमान नवाजी की है? कल मेहमान नवाजी थी, आज नहीं है। आज नहीं है। चले जी, रहमत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह की रहमत है मेहमान, इसलिए तो आपके पास आते हैं। पता है कि मेहमान नवाजी इधर खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। चले जी इधर से लेते हैं मिसाला। आ गया हूँ मैं सब्जी पे और मेरा यार जाना इधर खड़ा हुआ है। गंज करवा लिया? हाँ जी। क्यों टेंड क्यों करवा ली? हाँ जी। टेंड क्यों करवा ली? गर्मी लगती थी, गर्मी इसको। ये कौन सा मौसम है गर्मी का? ये बेटा, जो बड़ा बेटा है, ये बड़ा बेटा है, छोटा बेटा 2 महीने का, उसकी गले में झंड। अच्छा। अब्बा जी मैंने भी गंज करानी है। अच्छा अच्छा, मिसाल करा दी। हाँ जी वाह, क्या बात है। चले जी मुझे 100 का मिसाला दे दे। और यहाँ पे भी देखे हमारे चौक की रौनक, ये लेन अभी आँच चल गई है, वो सामने लेके धुआं निकल रहा है, और लेनों की ट्रालियाँ, वो ट्रायली ट्रालियों की लेने लगी हुई है। इस साइड से भी आ रही है, देखते हैं ये आ रही है, ये देखते हैं पीछे भी लेन लगी हुई है। और कुछ ये जो है ना हमारे चौक की सिचुएशन है, ये देखते हैं लाहौरी पॉइंट। और पिज़्ज़ा जो है ना इधर से इसको बोला था इसने, ये मंगवा के इसने दिया था। ये वाले हैं जो पिज़्ज़ा देते हैं आराम से ऐसे ना, तंदूरी पिज़्ज़ा, स्पेशल लाहौरी पिज़्ज़ा, जो भी लेना हो। चले जी मिसाला ले लें। ओ नीदा कहाँ गया? उधर चला गया। और सीखू वाला जो है ना यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, जहाँ से हम सीखे सीख कबाब या लेग पीस या ये जैसे इधर से लेते हैं, ये वाला है। और बर्गर वाला ये है, बाकी सब्जी वाला ये है, खाने पीने के एशिया। डॉक्टर सारे उस जगह पे हैं, उस लाइन पे सारे डॉक्टर हैं। तो बाकी जो है ना अभी यहाँ से मिसाला ले लूँ, फिर चलते हैं घर की तरफ। अब्दुल हमीद साहब दे दे हमें जल्दी है। तुझको कसम है मेरी नाना, हाथ खाली मेरे दिल के माली, आना सब्जी लेके। ये मिसाला आ गया है, और क्या चाहिए? कुछ नहीं, दुआ ले लो बाबे से, दुआ ले लिया करो, और कुछ नहीं। तो मेरा यार जो है ना मिसाला खाएगा आज, कैसे मिसाला खा जाओ आज, सारा मिसाला खा ले। लत्ता आपने निकाली हुई हैं, आपने जंगा कढ़ी हुई हैं, देखो तो सही। कमाल करते हो पांडे जी, आप तो जंगा कटते बहते हो। वो परी आ गई है, परी परी क्या कर रही है? मैं तैयारी कर रही हूँ। किस चीज की तैयारी कर रही हो? कहाँ जाना है? कहीं नहीं। कहीं नहीं जाना? हाँ। इधर रहना है? अच्छा, एक तैयारी करके फिर कहीं नहीं जाना। अच्छा, मम्मा ने कहा तैयारी करके फिर कहीं नहीं जाना। हाँ। अच्छा, मम्मा ने कहा तैयारी करके जाना है। कहाँ जाना है? पानी वाला आ गया है अब। फूफा के घर। एक मैं ही नहीं उन पर जहरा का वो बाबा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है क्या बात है। चलो जी मैं पानी भरवा लूँ, और ड्रम जो है ना अभी ये देखें धो रही है, ये जल्दी जल्दी ड्रम ही धो लो, मैं दे जाऊँ दे आऊँ ले आऊँ पानी, साफ सुथरा कर लो इसको। चले जी मैं पानी भरवा लूँ। दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो सलमा आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ अमीना बहुत बहुत मुबारक हो। आपने दुआ करनी है। चले जी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारे कमेंट्स पे आ रहे थे कि सलमा प्रेग्नेंट है, तो मैंने कहा आज सोचो आप सबको बता ही दूं। ठीक हो गया, ये राज मैंने कहा ऐसे छुपा हुआ है तो ये मैं आप सबको भी बता दूं। सही है? तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या अचानक इसने सरप्राइज दे दिया है कि सलमा प्रेग्नेंट है, ये क्या हो गया? तो भाई अल्लाह का नाम लो, मैं ये करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने आप सबके लिए जो कमेंट्स कर रहे थे उनके लिए था। वो बोल रहे थे कि सलमा जो है ना प्रेग्नेंट है, सलमा प्रेग्नेंट, हर जगह अक्सर ये कमेंट्स आते थे। मैंने कहा यार मेरी बेगम है, मुझे पता है, उसको पता है, लोगों को कैसे पता? वो थोड़ा सा मोटी क्या हो गया, कहते हैं ये जो अब बच्चा माँ बनने वाली है तो ये बिल्कुल नहीं है, और ये जो टॉपिक है ना ये अगर मैं लगाना शुरू कर दूं तो, या ऐसे लगा था, पहले तो मैं डरा हुआ था,
उन्होंने कहा ये बात अगर बातों में बंदा जैसे बोलता है बोलूंगा भी तो मेरी ऐसे धुलाई होनी है ना मेरी, एक दफा ना कहेंगे कि ये लो जी ये आप डिलीवरी आए, इसने भी शुरू करवा दिए, ये भी बेबी बच्चे करवाने वाला बन गया है, ये हो गया, तो इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कुछ नहीं है। अगर हमारा कुछ ऐसा हुआ भी तो वो इस तरह नहीं होगा, तो मैं पहले रिपोर्ट दिखा दूंगा, बाकी ये रोला नहीं करूंगा, ठीक हो गया। बाकी ये था, आप सब अक्सर बोलते रहते नहीं, वो एक साल से भी ऊपर, जब से मैं वीडियो में आई हूँ ये ऐसे तो कमेंट्स आते हैं, अब तो डेढ़ साल दो साल होने वाले, दो साल में भी डेढ़ साल में अभी तक बेबी नहीं हुआ। एक तो वो बेबी कब आएगा, 5 साल के बाद आएगा, कब आएगा। यही चीज है कि आप सब ना, सब तो नहीं, कुछ ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने कमेंट्स किए कि हमें ऐसे लगता है कि सलमा प्रेग्नेंट है, तो भाई कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, अगर ऐसा होता भी तो हम खुद बता देते। आप लोगों को पता तो है कि हमारे क्या यूट्यूबरों का साहब का यही होता है, अक्सर कमेंट्स गलत भी कर जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ जी ये क्या तुम लोगों ने ड्रामा लगा रखा है डिलीवरी का, ये का, बच्चों का, ये का। तो एक खुशी होती है जैसा कि किसी के हाँ बच्चा हो, जैसा मिसाल के तौर पर किसका अभी मैं बताऊँ, मिसाल दूँ ऐशा शायद वालों का, उनका बेटा हुआ ना, पहले थी उनकी बेटी, तो उनको खुशी थी बेटे की कि यार हमारे घर में बेटा आ रहा है, तो उन्होंने फिर ऐसे वीडियो बनाई, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, सब यूट्यूबर, ये नहीं कि हम छोटे यूट्यूबर या जैसे बोलते हैं कि यही ये खानदान ऐसा है, सारे टोटली यूट्यूबरों को आप चेक कर लो, बड़े मिलियन वाले जो इनके व्यूज आते हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं उनके भी देख लो, उनका भी यही टॉपिक होता है, बेबी वाला, गुड न्यूज वाला, बेबी वाला, वो भी लगाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आप लोगों को ये खानदान नजर आता है। ये मैं उनको बोल रहा हूँ जो मतलब गंदे बातें कर जाते हैं, गालियां दे जाते हैं, इस तरह उनको बता रहा हूँ। तो ये चीजें जो है ना, ये यूट्यूबर का एक हिस्सा है, क्योंकि अब दिखा रहे हैं भाई हाँ जी कोई भी परेशानी हो या खुशी हो, आराम करो बिना, खुशी हो तो वो भी तो आप लोगों को बताते हैं, कोई परेशानी हो वो भी आप लोगों को बताते हैं, बाकी जो दूसरी दुनियादारी जो भी मतलब मसला मसाइल होता है वो आप सबको शेयर करते हैं। तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि ये भी है बात, तो ये भी बता देते हैं कि बहन भाइयों को। और बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो अभी तक मेरे पास नए जुड़े हुए हैं, वो पूछते हैं कि अल्ताफ भाई सलमा किसकी मुखलिस की बहन है, या सलमा वाले कितने बहन भाई हैं, या अभी मैं गया था साली के घर, इसकी बहन के घर, तो बोले कि ये आपकी बहन है। तो यही बातें होती हैं जो नए होते हैं उनको नहीं पता होता, तो फिर ये चीज़ें हम बताते रहते हैं। तो सलमा के पांच भाई हैं और सलमा पांच बहनें हैं, ये पांच हैं माशाल्लाह, दो रह गए थे, दर्जन हो जाता टीम बन जाती, दो थे वो चले गए, बस फिर इसलिए टीम कैंसिल हो गई। हाँ तो माशाल्लाह ये पांच बहनें पांच भाई हैं, और जो अलीपुर हम गए थे वो मेरी साली है, इसकी बहन है सगी, सिद्रा जो है ना वो मेरी सगी भतीजी है, मेरे भाई गुलामबास की बेटी है, और ये अमीना सरदार मेरी बहन है, मुझसे बड़ी है लेकिन है हमारा डेंजरस खिलाड़ी, ये लड़ाई झगड़े वाला, हमारी फाइटिंग करने वाला यही है, और हमारा वीडियो में हंसी माहौल भी ये करती है। अभी देखें कैसे ये बातें कर रही थी आप लोगों को, वो मैंने दिखाया है, ये चीज़ें होती हैं, ये हम सब थोड़ा सा आप लोगों को बताते रहते हैं, ताकि क्योंकि आप सब हमारी फैमिली हो, हम आपकी फैमिली हैं, तो हमें खुशी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आप लोग सिखाते हो, बताते हो, जो हमें नहीं पता होती, तो हम चाहे आप गुस्से से भी बोलते हो, मुझे समझ लग जाती है कि ये चीज़ आप लोगों को बुरी लगी। जैसा कि नबीला राशिद ब्लॉग वाले आए, उनको मैंने खाना दिया, तो एक सिस्टर थी, पता नहीं भाई था, उसने बोला कि आपको ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है, मेहमानों को डिश में खाना देते हैं, आप लोग को ज़री तमीज़ भी नहीं है, मतलब उसने समझाया है, थोड़ा गुस्से से समझाया है। तो वो डिश में वाकई मैंने बोला कि डिश में तो दिया था, मतलब प्लेट में तो दिया था, उसका कहने का मतलब था कि किसी डब्बे में, जैसे डोंगे में डाल के उनको रख देते, वो खुद अपना ले लेते, तो आप उनको इतना भी तमीज नहीं है कि उनको प्लेटों में डाल के दिया। तो ये चीज की बात नहीं होती, हमारे पास सब कुछ है, वो जल्दी में थे, वो जो है ना हमारे जो फैमिली मेंबर, उन्होंने कहा बस ऐसे ही हमें जो है ना दे दो, प्लेट में कोई मसला नहीं है, हमारे पास डोंगे भी थे, हम डोंगे में भी दे सकते थे, ये नहीं है, बस जल्दबाजी में काफी लेट हो गया था, इसलिए इतना सब कुछ की हर चीज की हमें भी पता है, इतना ये चीज होती है। और वो दूसरा मेन जो मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ, कमेंट्स में भी जवाब दिया था कि बंदे का प्यार इखलाक होना लाजमी है, चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, चीज़ें कोई मायने नहीं रखती,
मेन होता है प्यार इखलाक। अगर हमारा प्यार इखलाक अच्छा है, अगले चाहे हमारे घर में हम सब कुछ उनको ना भी खिलाएं, प्यार इखलाक से उनसे बात कर लें, कोई भी मेहमान आता है तो उनको यह भी खुशी होगी कि यार हमारे साथ बहुत प्यार से इन्होंने बात की है। तो ये चीज़ होती है, चीज़ें मैंने नहीं रखती, मेन होता है प्यार इखलाक, बस यही प्यार इखलाक, क्योंकि ये हमने साथ लेके जाना है। ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब किस मोड़ पे ख़त्म हो जाए ये प्यार इखलाक, क्योंकि हकूकुल इबाद जो है ना, दुनिया लोगों के हकूक ये सिर्फ लोग ही करेंगे। माफ़ तो अल्लाह पाक माफ़ करेगा, लेकिन अगर बंदों ने माफ़ नहीं किया तो अल्लाह पाक भी माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। हमसे किसी की दिल आज़ारी होती है, किसी को हमारी कोई बात बुरी लगती है तो हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी की दिल आज़ारी हो मेरी वजह से या मेरी फैमिली की वजह से। तो अमीना का तो है, ये तो हमारा सरदार है। आप लोग इसके बारे में अक्सर बोलते रहते हो कि ये रोती है, तो इसका कोई पता नहीं चलता। अभी देखे रो रही थी, अभी कैसे मेरे साथ खड़ी है, आप फिर देखो। इसका नहीं पता चलता, इसलिए वह अपने माहौल में रहती है, तो इसका जो भी माहौल होता है। अब कल देखें, मैं इसको ऐसे हाथ लगाता था, कितनी बड़े चीखे लगाती थी, आज जो है ना ये देखो झपकियों में पा रहा हूँ इसको, आज खुश है। कैसे हाँ, मेरे अबू अबू मेरा अबू अबू मेरे अबू के लिए दुआ करें, मेरे अबू के लिए दुआ करें, ये बोल बोल रही है। चलो जी चले जी, ये बात मैंने थोड़ा सा क्लियर करनी थी, क्योंकि आप सब भी बोलते थे कि अल्ताफ़ भाई ये मतलब कमेंट्स करते थे कि सलमा प्रेग्नेंट है, सवालिया निशान होता था साथ में। तो मैंने कहा चलो ये भी शो कर दे, कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर होगा भी तो आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ओके हो गया। मैंने इधर जो है ना वो तेरी बोतल पी रही है वो सर्दी में, और यहाँ पे ये देखे मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है। लास्ट वाला जग था जिसके ऊपर ये फिर ग्राइंड नहीं हो रही थी, कुछ ज्यादा माल डाल दिया था उसकी वजह से। अब साग का जो है ना रायता बन चुका है, अब इसको इसको जो है ना मिक्स करके फिर इसका तड़का लगाएंगे, तड़का लगा के फिर खाएंगे। हाँ जी, मसाले वगैरह काटने हैं, काट के फिर इसको तड़का लगाएंगे। ऊपर वाला व्हाइट है, नीचे वाला देखना हरा है। ये नीचे मेरे ख्याल वो जो आटा जो आटे का आटा बनाते हैं ना, वो मैंने काम डाला था नीचे वाले में। हाँ, ये अब जब बनेगा मिक्स होगा फिर एक जैसे हो जाएगा। ये देखे जबरदस्त बन गया है, जबरदस्त बन गया है, वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुश्किलां नु टाल दाए अल्लाह बादशाह, डिगियां नु संभाल दाए अल्लाह बादशाह, मुश्किलां नु टाल दाए अल्लाह बादशाह, मुश्किलां नु टाल दाए अल्लाह बादशाह, डिगियां नु संभाल दाए अल्लाह बादशाह, डिगियां नु संभाल दाए अल्लाह बादशाह। खौफ क्यों शकील दुश्मना दा मैं करा, 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 मेरी जान माल दाए अल्लाह बादशाह, मेरी जान माल दाए अल्लाह बादशाह, डिगियां नू संभाल दाए अल्लाह बादशाह, डिगियां नू संभाल दाए अल्लाह बादशाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान है वो जात जिसके हम्द पड़ी है सलमान खान ने, और माशाल्लाह दिल को सुकून आ जाता है। ये अक्सर मुझे कहती है कि यार आप क्यों हर वक्त यही एक ही मुझे क्यों सुनते हो मुझसे, और भी सुन लो। मैंने कहा यार मुझे इसको सुनते हुए ना मुझे सरूर आता है, सुकून मिलता है, क्योंकि जब बंदा टेंशन में हो ना सबसे ज़्यादा, ये नहीं कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये तो बीमारियां आ जाती हैं, छोटी मोटे मसले तो हर किसी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन वैसे जब बंदा ना तन्हा फील कर रहा हो ना, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त की जो नमाज पढ़ो, जो तिलावत करो, और जो ऐसे मतलब करो ना, तो वो दिल को सुकून मिलता है तन्हाई में। जैसे बंदा चला जाए मस्जिद में, मस्जिद में जाते हैं ना, तन्हा बैठा हो, कोई भी ना हो, तो फिर जो नमाज पढ़ने, जो दिल से नमाज पढ़ी जाती है ना, वो मज़ा होता है। तो इसी तरह ये मुझे हमद जो है ना इतनी अच्छी लगती है कि मैं बार बार इसको बोलता रहता हूँ कि जानू मुझे वही सुना, और ये कहती है और भी कह दो मैं और सुना देती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे यही सुननी है,
तो कितनी प्यारी थी ना। तो आज इसने ना वो जो पहले दो कलियां पढ़ती थी आज नहीं पढ़ी, आज लास्ट वाली एक कली पढ़ के फाइनल कर दिया। चल तो सुना फिर लास्ट वाली सुना, लास्ट वाली सुना। चल सुनाऊंगी फिर, कभी सुनाऊंगी, अभी नहीं सुनानी। चले जी ये नहीं सुनाती, हम इसी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दो में याद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। कैसा लगा मेरा प्रैंक? ये चीज ना कमेंट्स आते थे तो मैंने इसलिए इस टॉपिक पे बात की है आज। अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, बाय बाय।